वेलकम बैक वंस अगेन नौकरीखबर.com ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी कि रेलवे विभाग की तरफ से आ चुकी साल 2022 के लिए नई सीधी भर्ती के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए 2900 से भी ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर बिना किसी परीक्षा और इंटरव्यू के केवल और केवल मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन के लिए वैकेंसीज के नोटिफिकेशन के साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। दोस्तों, आवेदन करने की आखिरी डेट 10 मई 2022 की होने वाली है, यानी कि अभी आपके पास आवेदन करने के लिए काफी टाइम है। अगर आप लोग भी केवल और केवल कक्षा 8वीं या 10वीं पास हैं और अभी तक आप लोगों के पास किसी भी तरह की प्राइवेट या सरकारी नौकरी नहीं है और आप सभी का सपना है साल 2022 के अंदर एक अच्छे से डिपार्टमेंट को ज्वाइन करके एक अच्छी सी पोस्ट पर जॉब पाने का, तो आप सभी के लिए ईस्टर्न रेलवे की तरफ से बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है। आगे इस वीडियो में हम लोग आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके दिखाएंगे, साथ में वीडियो के आखिरी में आपको अप्लाई कैसे करना होगा, नोटिफिकेशन को डाउनलोड कैसे करना होगा, सारे के सारे इंपोर्टेंट लिंक्स कहां से मिलेंगे इनके बारे में भी आपको जानकारी देने वाले हैं। आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप लोग दिल से इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरी आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको आपके काम की लगे तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं और आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी को इस वैकेंसी के बारे में कुछ खास बातें बताना चाहूँगा जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो पहली और सबसे अच्छी बड़ी खास बात यही है कि आपको 2900 से भी ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर नोटिफिकेशंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद सेकेंड नंबर ये कि अगर आप लोग मेल एंड फीमेल किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि कहने का मतलब महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। थर्ड नंबर ये कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी ज्यादा नहीं मांगा गया है, अगर आप लोग कक्षा 8वीं 10वीं पास हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, बाकी की जो एलिजिबिलिटी है वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, कंप्लीट यहां पे 15 साल की भी होगी तो भी चलेगा, नोटिफिकेशन में आपको जानकारी दी जाएगी, और अधिक से अधिक यहां पे आपकी एज 29 साल की होनी चाहिए तो आप लोग एलिजिबल होंगे आवेदन कर पाने के लिए। इसके अलावा जो भी जानकारी है फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन फीस के बारे में तो आपको आगे प्रोवाइड कराई जाएगी। सबसे मेन यही है कि बिना किसी एग्जाम और इंटरव्यू के केवल और केवल मेरिट लिस्ट के आधार पर आप सभी का चयन होगा। बस आप सभी को घर बैठे अपने मोबाइल फोन से बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसके अलावा आपको जो भी जानकारी चाहिए आगे मिलने वाली है, बस आप लोग बने रहिएगा वीडियो में आखिरी तक। चलिए हम लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है, आप लोग यहां पे देख सकते हैं। नोटिफिकेशन नंबर भी आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा और ये नोटिफिकेशन ईस्टर्न रेलवे और रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से जारी किया गया है। इसके बाद सबसे पहले शेड्यूल है, यहां पे देखिए शेड्यूल के अंदर आपको बताया गया है डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन ऑन वेबसाइट 29/3/2022 यानी कि 29 मार्च के दिन नोटिफिकेशन आउट किया गया है। ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 11/4/2022 यानी कि 11 अप्रैल 2022 से लेकर क्लोजिंग डेट 10/5/2022 यानी कि 10 मई की दी गई है, यानी कि आप लोग 11 अप्रैल से लेकर 10 मई तक आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद यहां से नीचे आएंगे ट्रेड वाइज, आपको यहां पे कम्युनिटी वाइज जो आपका वैकेंसी है वो नीचे देखने को मिलेगा। यहां से आपका स्टार्ट होता है, यहां पे आप लोग देख पाएंगे जर्नल है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है और टोटल नंबर वैकेंसीज के बारे में आपको बताया गया है। अभी यहाँ पे आपको कई सारी वैकेंसी देखने को मिलेंगी, अलग अलग जोन्स की वैकेंसी देखने को मिलेंगी, तो आप लोग जिस भी जोन से जिस भी डिवीजन से अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप लोग जरूर ध्यान से देखें किस कैटेगरी से और किस फील्ड से आपको अप्लाई करना है, ये आपको ही नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके चेकआउट करना होगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे डिविजन्स मिल जाएंगे और बहुत सारी यहाँ पे ट्रेड्स मिल जाएंगी, कैटेगरी मिल जाएंगी, आप लोग इनको एक बार जरूर चेकआउट करें। रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, इससे नीचे आएंगे आपको पीडब्ल्यू
बीडी कैटेगरी के कैंडिडेट के बारे में जानकारी दी गई है। इसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी है, जहां पे आपकी एज कम से कम 15 साल की जरूर से होनी चाहिए और यहां पे 24 मैक्सिमम प्लस यहां पे 5 ईयर का रिलैक्सेशन, तो आपकी 29 यानी कि 29 साल तक की एज होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका 10th क्लास जो है तो पास होना चाहिए, जो कि स्कीम यानी 10+2 के अंडर में आता हो। बाकी अगर आप लोग इंट्रेड्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे 8 यानी कि कक्षा 8वीं पास होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे मेडिकल फिटनेस के बारे में जानकारी दी गई है, इसको जरूर चेकआउट करें। देन यहाँ पे फाइनली आपको सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराई गई है। यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन वो मेरिट लिस्ट के आधार पर होने वाला है, किसी भी तरह का एग्जाम वगैरह यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। उसके बाद कैसी मेरिट बनेगी, कैसा वेटेज होगा यहाँ पे, उसके बारे में जानकारी दी गई है, तो आप लोग एक बार जरूर चेकआउट करें। अप्लीकेशन फीस यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल सा है। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, और अगर आप लोग एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी या महिला कैटेगरी की कैंडिडेट है तो नो फीस यानी कि कोई भी अप्लीकेशन फीस यहाँ पे आपका नहीं लगेगा। इसके बाद हाउ टू अप्लाई का सेक्शन है, आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना होगा। डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, किस साइज के होने चाहिए, किस फॉर्मेट में होने चाहिए, और इनवैलिड अप्लीकेशन किस वजह से होता है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है, इनको भी आपको ध्यान में जरूर से रखना होगा। नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, बाकी की जानकारी आपको मैं आगे वीडियो में देने वाला हूँ, तो इसीलिए आप लोग आखिरी तक जरूर से बने रहिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रेलवे विभाग की तरफ से आ चुकी नई भर्ती फॉर्म 2022 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन मैंने आपको ऑलरेडी शो कर दिया है। आगे हम अप्लाई करने के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, साथ में बची कुची जानकारी भी आपको इसी वीडियो के अंदर प्रोवाइड कराने वाले हैं। इस वैकेंसी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि बिना किसी परीक्षा और इंटरव्यू के केवल और केवल मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका चयन होने वाला है। मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट इन वैकेंसीज के लिए आवेदन कर पाएंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो आपको 2972 नंबर ऑफ पोस्टें देखने को मिलेंगी, जो कि काफ़ी हैं आप सभी के लिए। आपकी उम्र कम से कम 15 कर दीजिएगा और अधिक से अधिक 29 साल की होनी चाहिए। ऑनलाइन तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। ऑल इंडिया लेवल की जॉब आ चुकी है और मैक्सिमम कैटेगरीज की अप्लीकेशन फीस यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, केवल और केवल जनरल और ओबीसी का 100 रुपीज़ लगने वाला है। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की लगी हो तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दें और आगे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक और ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और बाकी सारी डिटेल में जानकारी देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, तो क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। यहां पे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं ईस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट है 2022 के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ईस्टर्न रेलवे ही रहेगा। आपको यहाँ पे अप्रेंटिस की वैकेंसी देखने को मिलेंगी, जहाँ पे आपको 2972 नंबर वैकेंसी देखने को मिलेंगी। आपका जो स्टार्टिंग डेट है वो 11 अप्रैल 2022 का है और आखिरी डेट 10 मई 2022 की होने वाली है। ऑनलाइन तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना होगा और अक्रॉस इंडिया आपकी जॉब लोकेशन यहाँ पे बताई गई है। देन यहाँ पे हम बात करें अगर कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो आपका एजुकेशन 8वीं पास, 10वीं पास और साथ में ITI होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपकी जो एज है वो कम से कम 15 और अधिक से अधिक 24 प्लस आपका 5 ईयर का एज में रिलैक्सेशन है, जहाँ पे आपकी टोटल एज 29 यानी कि 29 साल की हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है, जहाँ पे आपकी मेरिट बनाई जाएगी बिना किसी एग्जाम के। इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे, आपके पे स्लिप के बारे में जानकारी यहाँ पे नहीं दी गई है, इसके लिए आपको नोटिफिकेशन पे विजिट करना होगा। देन यहां पे आपको एप्लीकेशन फीस के बारे में जानकारी मिल जाएगी, जहां पर जनरल ओबीसी का 100 रुपीज लगेगा। बाकी अगर आप लोग किसी और कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आप लोग निशुल्क ही आवेदन
कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे, आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। देन यहाँ पे बात करें अगर इम्पोर्टेंट लिंक्स के बारे में, तो अगर आप लोग इस जॉब के अलावा किसी भी कंपनी के लिए काम करके घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं, तो आपको workfromhomejobs.com की वेबसाइट मिलेगी, आप लोग एक बार ज़रूर विजिट करें। इसके अलावा यहाँ पर आपको अप्लाई का, नोटिफिकेशन का और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। नोटिफिकेशन के लिए क्लिक हियर की बटन पर क्लिक करें, क्लिक करने के साथ डाउनलोड की बटन आएगी और डाउनलोड की बटन पे क्लिक करके अपने नोटिफिकेशन को किसी भी पीडीएफ रीडर की सहायता से ओपन कर सकते हैं। सेम अप्लाई करना है तो आपको क्लिक हियर की बटन पे क्लिक करना होगा और यहां पे आने के बाद आप लोग अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको आवेदन करने की पूरी डिटेल वीडियो प्रोवाइड कराऊं, तो इस वीडियो के लिए 300 लाइक का टारगेट है, जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करें ताकि आपको आवेदन करने की कंप्लीट वीडियो मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।